हेलो एंड वेलकम टू टेक टॉक। एक बार फिर से मैं करिश्मा श्रीवास्तव एक और फोन का रिव्यू लेकर आई हूँ, और जिस फोन का आज मैं रिव्यू लेकर आई हूँ वो है मोस्ट अवेटेड OnePlus 9 Pro 5G। यस, यू हर्ड इट राइट, आपके लिए लेकर आए हैं OnePlus 9 Pro 5G। OnePlus 9 की कई सीरीज आई हैं, लेकिन हम इसका जो टॉप मोस्ट है वो लेकर आए हैं आपके लिए। सो एक्चुअली OnePlus has taken a steep growth in India over the years। तो देखते हैं क्या ये जो नया फोन लॉन्च किया है OnePlus ने, क्या ये फ्लैगशिप किलर होगा। लेकिन ये सब बताने से पहले करते हैं अनबॉक्सिंग। So here's the box with me। आप कलर देखकर ही जान जाएंगे कि ये OnePlus का फोन है, क्योंकि OnePlus ने एक बार फिर से अपना स्टेटमेंट कलर रेड यूज किया है। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा को डेवलप विद Hasselblad। जी हाँ, इन्होंने टाई अप किया है Hasselblad के साथ कैमरा टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए। सो लेट्स ओपन द बॉक्स। सो फाइनली दिस फोन इज हियर। फिलहाल इसको भी साइड में रखते हैं, क्योंकि पहले हमें ये देखना है कि क्या क्या मिला है हमें। चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। इसमें ये है सिम का टूल आपको दिया गया है, और बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है इसमें। और इसी के साथ ये बैक कवर दिया हुआ है ग्रे कलर का, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये बैक कवर। सो आपको इसके साथ मिलेगा वॉब चार्जर, 65 वॉट का वायर चार्जर मिलने वाला है। ये अडैप्टर है इसके साथ, एज यूजल USB टाइप सी केबल दिया है, C2C केबल दिया गया है इसके साथ। और फिलहाल डब्बे में इतना ही है। So here's the phone open करते हैं। Oh my God, it looks so damn premium। ये morning mist color है, मेरे हाथ में पीछे quad camera setup है, और अच्छे से यहाँ पे Hasselblad भी पीछे लिखा हुआ है। और ये काफ़ी mirror effect दे रहा है, बहुत ही stylish phone लग रहा है, premium look का phone है आप देख सकते हैं। बहुत काफ़ी slim phone है, जिस हिसाब से ये premium quality दी गई है उस हिसाब से phone काफ़ी slim है। तो मैं तो इस फोन को ऐसा लग रहा है कि बिना कवर के ही यूज़ करने वाली हूँ। Have a look at this phone। So, इस फोन को अब साइड में रखते हैं और बुलाते हैं हमारे एक टेक एक्सपर्ट को, उनसे जानेंगे कि OnePlus जैसे कह रहा है कि ये जो प्रीमियम फोन है इसमें जो क्वालिटीज हैं, जो फीचर्स दिए गए हैं, तो क्या इस रेंज के जो और फोन हैं उन सारे फोन्स को ये कंपटीशन दे सकता है। हमारे टेक एक्सपर्ट विवेक चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो विवेक, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, क्या ये OnePlus का जो फोन इन्होंने लॉन्च किया है, इज इट गोइंग टू बी अ फ्लैगशिप किलर? करिश्मा, OnePlus का लॉन्च इंडिया में कुछ ऐसा होता है कि एक सेलिब्रेशन की तरह मनाया जाता है अमंग द OnePlus यूजर्स, और नए यूजर्स बहुत सारे हर साल ऐड होते हैं OnePlus के साथ। और इस फोन में से बहुत सारी खूबियां हैं और कुछ छोटी मोटी खामियां, तो हम आने वाले अपने सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि ये फ्लैगशिप किलर है या नहीं। जैसा कि हमारे टेक एक्सपर्ट ने कहा, आगे के सेगमेंट में हम बताने वाले हैं। तो अगर अब तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो फटाफट से जाइए लाइक करिए एंड स्टे ट्यून्ड। So Vivek, let's move forward and talk about the design of this phone, because I am in love with this design, the color and जो overall look दिया गया है slim, sleek and stylish phone का, सबसे पहले design की ही बात करेंगे। बिल्कुल करिश्मा, ये फ़ोन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इसके पीछे देखोगे तो आपको सबसे ऊपर एक क्वाड कैमरा सेटअप दिखेगा, जिसमें फ्लैशलाइट भी है, और साथ ही Hasselblad की एक ब्रांडिंग है जिसके बारे में आपको मैं कैमरे डिपार्टमेंट के वक्त बताऊँगा। कंपनी का जो ब्रांडिंग है बिल्कुल उसी जगह पेस्ट है जहां आपको बाकी OnePlus के दूसरे फ़ोन्स के ब्रांडिंग दिखते हैं। और साथ ही जो इसका बैक पैनल है, जिसे हम मॉर्निंग मिस्ट कह रहे हैं, वो एक सिल्वर के शेड में आ रहा है। एंड इट्स अ मिरर लाइक डिज़ाइन, जहां पे आप अपने चेहरे को भी देख सकते हो, और ये बहुत ही खूबसूरत है। फ्रंट पैनल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ आपको एक मिलेगा एक पंच होल कैमरा सेटअप मिलेगा, एक बहुत ही बड़ी और प्यारी सी स्क्रीन जिसमें आप गेम्स खेल सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो। इसके लेफ्ट एज में मिलेगा आपको वॉल्यूम रॉकर्स, राइट एज में मिलेगा आपको पावर बटन, और साथ ही एक स्पेशल की जिससे आप अपने फ़ोन को रिंग मोड से साइलेंट या साइलेंट से रिंग मोड में स्विच कर सकते हैं। और अगर आप फ़ोन के बॉटम में देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा टाइप सी USB पोर्ट, एक सिंगल स्पीकर ग्रिल, और यहाँ लगा सकते हैं आप सिम कार्ड्स। इन्होंने सिम सेक्शन की बात की हूँ, तो बता दें कि इस फोन में आप दो नैनो सिम यूज कर सकते हैं।
विवेक हो गए डिजाइन की बात, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्प्ले की बात करते हैं। तो करिश्मा, जो ये फोन है इसमें आपको मिलेगा 6.7 इंच का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि इस फोन के गेमिंग या वीडियो एक्सपीरियंस को और बहुत ही बेटर कर देती है। और साथ ही बता दूं, इसके जो एजेस हैं वहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड बेजल्स दिखेंगे, और इसका जो हल्का सा कर्व स्क्रीन है वो आपके वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस को ओवरऑल जो है और बहुत बेटर कर देता है। और साथ ही जब यहाँ पे डिस्प्ले की बात हो रही है विवेक, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इसके साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी कर लेगा आपके यूजेस के हिसाब से कि आप अगर कुछ गेम खेल रहे हैं या कुछ और चीजें कर रहे हैं तो वो हर्ट्ज उसको एडजस्ट कर देगा। बिल्कुल करिश्मा, विवेक, लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा, क्योंकि कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि OnePlus ने टाइप किया है हेजल ब्लेड के साथ कैमरा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कितना बेहतर हुआ है इसका कैमरा। तो करिश्मा, इसमें आपको मिलेगा 48MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 8MP का टेलीफोटो लेंस और साथ ही 2MP का मोनोक्रोम सेंसर। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो सेंसर्स हैं इसके साथ आपको और भी सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं, और इसके साथ एक नाइट स्केप मोड भी दिया गया है ताकि जो रात में आप फोन खींचे उसमें भी बेहतर क्वालिटी आएगी। और विवेक, इसी के साथ आप बता दें कि फ्रंट कैमरा कैसा है इसका। आपको फ्रंट कैमरा में मिलेगा 16MP का सेंसर। दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं, जो मैंने फोटोग्राफ्स क्लिक किए तो रियर सेंसर से जो मैंने क्लिक किए वो बहुत ही एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल और बहुत ही माइंड ब्लोइंग पिक्चर्स थे, लेकिन जो फ्रंट सेंसर है यानी 16MP का सेल्फी कैमरा, वो शायद थोड़े से लोगों को डिसअपॉइंट कर सकता है, क्योंकि इसकी जो सेल्फीज़ है वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। आप इसे कह सकते हो कि डिसेंट है लेकिन उतनी बेहतरीन नहीं जितनी इसकी रियर सेंसर्स है। तो मतलब सेल्फी में मैं थोड़ा डिसअपॉइंट होने वाली हूँ शायद। विवेक, इतनी सारी बातें हो गई हैं, फोन को हमने प्रीमियम भी कह दिया है, तो क्या ये जो फोन है, जो प्रीमियम क्वालिटी फोन है, इसका प्रोसेसर भी प्रीमियम क्वालिटी है? तो करिश्मा, इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट, और साथ ही बता दूं कि अगर आप बहुत मल्टीटास्कर हो या फिर हैवी गेमर हो तो इसमें आपको एक और ऑप्शन मिलता है OnePlus Cool Play, जो आपके फ़ोन के हीट को थोड़ा और, मतलब अगर आपका फ़ोन ओवरहीट हो रहा है तो इसे कूल करने में हेल्प करेगा। और साथ ही मैं मेरे यूजेज के हिसाब से मैंने इसमें लैगिंग बिल्कुल नहीं पाई, मैंने मल्टीटास्क किया, बहुत सारे गेम्स खेले, यूट्यूब चलाया, लेकिन मैंने लैग बिल्कुल भी फील नहीं किया। तो जैसा कि विवेक बता रहे हैं, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट, जो गेमिंग ग्रेड कूलिंग सिस्टम दिया गया है। सो ऑल द गेम लवर्स एंड ऑल द सीओडी लवर्स, यू ऑल कैन चेक आउट दिस फोन। सो विवेक, इस फोन के बारे में अपनी इतनी बातें कर ली है, प्रीमियम क्वालिटी फोन हम बता रहे हैं, तो क्या इस फोन की बैटरी भी वैसी होने वाली है, क्योंकि OnePlus इज फेमस फॉर इट्स बैटरी। करिश्मा, इसमें आपको मिलेगा 4500 mAh की बैटरी। अगर आप एक एवरेज यूज़र हो तो आपको इस फ़ोन के बैटरी से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन अगर आप हैवी टास्क करते हो या फिर गेमर हो तो आपको इस फ़ोन की जो बैटरी है वो डेफिनेटली थोड़ी कम फील होगी, और एज अ 5G फ़ोन जो 4500 mAh बैटरी है वो थोड़ी कम है, तो अगर हम इसमें और थोड़ी सी बैटरी होती तो ये फ़ोन ज़्यादा बेटर होता। And this phone supports 65 watt की वायर चार्जिंग। इसी के साथ साथ एक और प्लस पॉइंट है विवेक इसके साथ कि 50 watt की वायरलेस चार्जिंग है। तो जैसा कि आपने कहा कि 4500 mAh की बैटरी है तो वो इसको सपोर्ट कर देगा, ये एक प्लस पॉइंट है कि वायरलेस चार्जिंग है। बिल्कुल करिश्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ चुका है, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि ये जो OnePlus 9 Pro 5G फोन है कितने वेरिएंट्स में आता है और क्या प्राइस है। तो करिश्मा, ये जो फोन है वो आपको मिलेगा दो स्टोरेज वेरिएंट के साथ। जो इनिशियल वेरिएंट है वो है 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 64,999। और दूसरा वेरिएंट जो हमने इस्तेमाल किया जो है 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, उसका प्राइस है 69,999। विवेक, अब आते हैं आपकी एग्जामिनेशन की घड़ी, तो आप बताइए कि इस फोन को आप कितने नंबर देंगे। करिश्मा, इस फोन को मैं आउट ऑफ 10 दूंगा 8। एक नंबर मैं काटूंगा इसके सेल्फी कैमरा के लिए, और एक नंबर जो बचा वो मैं काटूंगा इसके बैटरी के लिए। तो ये थे हमारे टेक एक्सपर्ट, जिन्होंने हमें बताया OnePlus 9 Pro 5G की खूबियां और खामियां। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो ये था हमारा OnePlus 9 Pro 5G का रिव्यू हमारी टेक एक्सपर्ट की आपको इसकी सारी खूबियां और खामियां बताई हैं। और अगर मैं बात करूं तो इवन आई एम डिसअपॉइंटेड विद द सेल्फी कैमरा, क्योंकि ये फ़ोन कहा जा रहा था कि ये फ़ोन कैमरा में बहुत बेहतर होगा और सेल्फी के साथ इन्होंने थोड़ा कम अटेंशन दिया हुआ है। बट ओवरऑल अगर बोलूं तो इट इज़ एन एक्सट्रीमली एलिगेंट फ़ोन जो कि एक सुपीरियर परफॉर्मेंस उन लोगों को प्रोवाइड करने वाला है जो एंड्रॉयड में एक क्लास है। आज के शो में इतना ही। ये था हमारा OnePlus का 9 Pro का रिव्यू जो कि 5G फोन है, फ्यूचर रेडी फोन है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे ये जो वीडियो अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज गो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज बेल आइकन जो है ना नोटिफिकेशन का वो भी दबा दीजिएगा। टिल देन बाय बाय।